नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिकायत लेकर पहुंचे छात्राओं को डीओ जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि डीओ अभय जायसवाल ने उनसे बदसुल्की की है। मामला डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल का है। छात्राओं का रोते हुए वीडियो भी सामने आया है। इसमें छात्राएं बता रही है कि डीओ ने उनसे कहा, इस तरह से किसने कहा था एप्लीकेशन लिखने के लिए, फिर डरा धमका कर भगा दिया। पिछले 4 दिनों से टीचर की बदसुल्की के कई मामले सामने आ चुके हैं। बलरामपुर और जांजगीर चांपा में भी शिक्षकों ने छात्रों से बदसुल्की की थी। बलरामपुर में स्टूडेंट ने पानी की समस्या बताई तो नाली का पानी पीने और पेशाब पीने को कहा। वहीं जांजगीर चांपा में टीचर की पिटाई से एक छात्र के कान के पर्दे फट गए। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से, क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सी कहा है तुम लोगों को लिखने के लिए, जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं है? एक भी 11th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ साहब। स्कूल का क्या नाम है, कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस है, वो भी 9th-10th के लिए है, 11th-12th के नहीं है वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया।